मैं आया हूँ खालिस इमली और आलू बुहारे का खालिस शरबत पीने के लिए। पहुंचे तो आवाम का पहले ही जम गफीर हमें देखने को मिला, क्योंकि शदीद गर्मी में जिस जूस के इंतजार में शदीद प्यासे। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आपने बिल्कुल जो क्लिप देखा बिल्कुल दुरुस्त देखा। आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी का जोर है और छोटे बड़े बच्चे जवान जो भी हैं उनको एक ऐसा शरबत चाहिए जो गर्मी को दूर करे, प्यास को बुझाए। उसका मैं एक तोड़ लेके आया हूँ, बहुत ही लाजवाब एक तोहफा मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ। आप घर पे बनाएं इमली आलू बुखारे का शरबत जो आप बाज़ारों में ठेलों में देखते हैं। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक पाव इमली ली थी और रात भर इसको मैंने भिगो दिया था और सुबह इसको मैंने इसके जो गुठलियाँ मसल के मैंने इसको पीस बना लिया। और एक पाव आलू बुखारा वो भी मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह इसको मसल के इसका मैंने ये गूदा तैयार किया है। और आगे देखते हैं गूदे का हमने करना क्या है, शरबत कैसे बनाने हैं। और हम लेंगे ग्राइंडर जग और इसमें इमली और आलू बुखारे का जो हमने गूदा निकाला था भिगो कर पूरी रात हमने भिगोया और सुबह गूदा उसका तैयार किया। तो इसका हम एक पेस्ट अच्छा सा बनाएंगे ग्राइंडर जग में और उसके बाद भी आपको बताते हैं आगे इसका हल क्या है, पकाना कैसे है, वो मेरे साथ साथ रहिएगा। तो साथ में मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर एक छानी रखी है। छानी इसलिए कि इसको हम छानेंगे, इसके अंदर कचरा होता है, कचरा हमने इलाहदा करना है, इसको साफ बिल्कुल करना है ताकि पीते वक्त हमारे ज़बान पे हमारे अंदर कुछ कचरा ना जाए, गले में चुभे नहीं। तो इसको हम मज़ीद अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। ये बहुत ही गाढ़ा है, ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के तो हम इसको मज़ीद इसको साफ़ करेंगे। आपको दिखाते हैं नीचे कचरा कैसे निकलता है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ये देख लें नीचे सब कचरा है, इसको हम फेंक देंगे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने राय का इज़हार लाजमी दें और अपने सिटी का नाम लाजमी बताया करें, आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ताकि हौसला अफजाई हो सके। और साथ ही में दो चम्मच मैंने तो लंगा भिगोया, इसको भिगो देते हैं क्योंकि घंटा डेढ़ हमें वो लगना है और इतने तक ये फूल जाएगा। और कढ़ाई के नीचे हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसके अंदर डालेंगे तकरीबन आधा लीटर पानी, क्योंकि इसको हमने आधे घंटे के लिए इसको आँच पर पकाना है। और साथ में इसमें जाएगी एक किलो चीनी, अगर ज़्यादा मीठा पसंद करें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, सवा किलो डेढ़ किलो आपने हिसाब से देख लें। मैंने जो मेरे रेसिपी थी एक पाव इमली एक पाव आलू बुखारा के हिसाब से मैंने एक किलो चीनी रखी है, आप ज़्यादा कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पकना शुरू हो चुका है, इसकी हमने सफाई भी करनी है। पकते हुए आपको पता है ऊपर एक मैल से आती है, झाग से आती है, वो भी हमने साफ़ करनी है। तो माशाल्लाह शरबत हमारा पकना शुरू हो चुका है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर है। बाज़ार वाले इसमें कलर ऐड करते हैं लेकिन हम इसको बग़ैर कलर के बनाएंगे। और मज़े की बात है ये आप 2 से 3 महीनों के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, वक्तन तो वक्तन आप जितना चाहें 1 गिलास 2 गिलास 10 गिलास बनाते रहें और दोबारा बोतल फ्रिज में रख दी, आप 2-3 महीनों के लिए ये इकट्ठा बना के रख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी है, घर पे बनाएं, बच्चों को बड़ों को बूढ़ों को आप ये बना के दे सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो हम बाज़ारों से ये चीज़ पीते हैं लेते हैं और बना बनाया ख़रीदते हैं, महंगे दामों ख़रीदते हैं, तो लेकिन हम घर पे सस्ते दामों और साफ सुथरा शरबत घर पे तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसमें हम काला नमक और वाइट नमक आधा आधा चम्मच ऐड करेंगे, नमक बहुत ही ज़रूरी होता है। माशाल्लाह आधा घंटा हो गया शरबत पकते पकते,
और देख लें बिल्कुल जो इसका पानी था वो आधा खुश्क होके इतना एक रह गया। इसका कलर देख लें, थिकनेस देख लें, बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त किस्म का शरबत घर पे हमने तैयार कर लिया। आप भी घर पे तैयार करें। जी जी अभी जाना नहीं है, हमने शरबत पीना भी है और पीने के लिए तैयार कैसे करना है वो भी देखते जाएँ। हमने तकरीबन एक कप के करीब शरबत लिया और पानी से हमने डिचकी भर दी है और उसमें ढेर सारी बर्फ़ डाली है और साथ में जो बिलंगा भिगोया था वो ऐड किया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ठंडे ठार अच्छी सी बर्फ़ जमाई हुई थी इसी शरबत के लिए और ठंडा ठार शरबत पियेंगे इंशाल्लाह गर्मी भागती जाएगी, दोबारा आने का नाम नहीं लेगी। अगर ये डेली आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये गर्म जो लोइन चलती हैं, गर्म हवा चलती है, इससे आप बचते रहेंगे। और छोटों को बचाइए, बड़ों को बचाइए, ख़ुद बचिए और शरबत इस्तेमाल कीजिए और दुआओं में याद करें।